फाइनली मानसून स्टार्ट हुए, क्योंकि इतना वाइल क्योंकि मतलब हुए नहीं थे इतनी देर से, जुलाई हाफ होने लगा है और मानसून स्टार्ट ही नहीं हुए थे, जब अभी जब एक दो दिन ही हुए हैं जब स्टार्ट हुए को, और बहुत खुशी मिल रही क्योंकि मुझे लग रहा सब जगह हो गए होंगे लेकिन पंजाब में नहीं हुए, डोंट कॉट मी ऑन दिस, मतलब जलंधर में तो नहीं हुए थे और बाकी की सिटीज में हो सकते हैं मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन जलंधर में नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू डोंट कॉट मी ऑन दिस। और जैसा कि मैं व्लॉग नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे हैमस्ट्रिंग में अगर मैंने शायद नहीं बताया होगा, मेरे हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेन आ गया था क्रिकेट खेलते खेलते, और इट्स बीन अ मोर देन अ मंथ, तो बहुत दर्द हो रहा था, फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा था मेरा व्लॉग करूँ, ये करूँ वो करूँ। आज मानसून शुरू हुए और मैं भी थोड़ा ठीक हो गया, तो क्यों ना फिर मैंने कहा व्लॉग शुरू कर देते हैं करना, और मेरे बहुत बहाने हो गए हैं कि मैं व्लॉग नहीं कर रहा अब, लेकिन मुझे लगता है कि अब इन बहानों पे कुछ ना कुछ तो बहुत कंट्रोल डालना पड़ेगा। और अगर आप मेरे से पूछें कि मेरा फेवरेट सीज़न कौन सा है, तो नंबर वन विंटर और मानसून, क्योंकि मतलब मानसून में जो मज़ा आता है ना, मतलब जो धूप ना निकले और ठंडा ठंडा जो यूके वाला वेदर हो जाता है कि धूप नहीं निकल रही, जब मर्जी हो बारिश। एक्चुअली मैं बाय द वे मैं मतलब यूके गया तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है और मज़ा आ जाता है यार मुझे तो। वैसे जाएंगे किसी दिन, इंटरनेशनल ट्रैवल भी करेंगे, और इस पर मैं नहीं बोलूँगा डोंट कॉल मी ऑन दिस, और क्योंकि मुझे पता है हो जाता है। और अभी का टाइम जो हो रहा है राइट नाउ इट्स 2:20 PM इन द आफ्टरनून, ऑब्वियसली आफ्टरनून। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग टेरिबली वेल। और जैसे मैं इसके इतने पॉजिटिव पॉइंट्स गिना रहा था, और अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स पर भी बात करी जाए, तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स भाई बहुत मतलब ना अब सोच नहीं सकते, लेकिन मतलब कुछ मैं गिनाता हूँ आपको। जैसे कि जो बेगर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास अपना घर नहीं होता इस सीज़न में, तो उनका ना मतलब इम्पॉसिबल सा हो जाता है सर्वाइव करना, कि जिनके पास अपनी पक्की छत नहीं है वो कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ये सीज़न मैंने मतलब विंटर्स ले लीजिए और समर्स ले लीजिए, उसमें मतलब ठीक है उसमें कि वो कर लेंगे सर्वाइव, ठीक है मुश्किल होगा, लेकिन जो ये फेस होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है उनके लिए सर्वाइव करना, क्योंकि कहीं से भी पानी आ रहा है तो उसमें, ठीक है। और पॉइंट नंबर अगर हम 2 की बात की जाए, तो पॉइंट नंबर 2 अगर ऐसा ले लीजिए क्योंकि अगर हम आउटडोर क्रिकेट नहीं खेल सकते, आउटडोर कोई भी गेम इतना नहीं खेल सकते, ठीक है ना, या अगर मैं बात करूँ क्रिकेट की, ठीक है, तो आउटडोर में कम से कम अगर एक दिन चलो बारिश रुक भी जाए, ठीक है ना, एक दिन बारिश रुक भी जाए तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कम से कम अगर क्रिकेट मतलब आई मीन पिच को भी सूखने में कम से कम 2 दिन कम एटलीस्ट 2 दिन तो लेकर जाती है ना वो सूखने को। और जिस पे हम खेलते हैं उस पे होती है ग्रास, ठीक है, ग्राउंड पर, तो वो ग्रास को भी सूखने में टाइम लगता है क्योंकि नेचर है, ठीक है ना। तीसरी बात अगर हम करें तो इसमें हम आउटडोर शूज भी नहीं करवा सकते, ठीक है, हम कपड़े नहीं पहन सकते, और स्नीकर्स तो आप पहन नहीं सकते ना, ठीक है ना। मेरे अगर मुझे स्नीकर्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं स्नीकर है, ठीक है ना, अभी इतने मेरे पास स्नीकर नहीं है, लेकिन हाँ एक दिन वो भी आएगा जिस दिन मेरे पास बहुत स्नीकर होंगे, ठीक है, फिंगर्स क्रॉस्ड जल्दी आए दिन। और मेरे जैसों को तो अगर स्नीकर्स पे थोड़ा सा भी या स्नीकर्स में कहीं मिट्टी लग जाए, ये लग जाए, बहुत दिल मेरे को तो दिल पर हानि पहुंचती है, ठीक है। और कहीं अगर आपने गलती से भी वाइट स्नीकर्स पहन लिए और उस पर गारा लग गया या कीचड़ जो भी कह लो, तो आप और आपका दिल दोनों नहीं ये देख सकेंगे, बहुत बुरा लगेगा। तो कुछ रीज़न ऐसे हैं, बहुत हैं रीज़न, ठीक है, और बट ठीक है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अगर आप 2 महीने नहीं भी कुछ करोगे ऐसा, तो ठीक है, कर लेना चाहिए, तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस कीजिए और 2 महीने करिए बंद, और अलग एक्सपीरियंस ही आपको अलग बनाता है। हाँ आज बहुत ही ज़्यादा बोल लिया यार मैंने, पहले पानी पीना चाहिए। अरे खुल जा, व्लॉगिंग में भी ना बहुत डिफिकल्टीज होती है, अगर आपको ऐसा लगता है ये कर लीजिए आराम से नॉर्मली हो जाएगा, आप बिल्कुल गलत है, ठीक है ना।
बॉस व्लॉगिंग इज नॉट इजी राइट नाउ इट्स 8:15 और अभी एज यू कैन सी अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे यहाँ पर थोड़े से पिंपल टाइप आ चुके थे। अब यहाँ पे तो गाया भी हो गया ना बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पर था मतलब ऑलमोस्ट गाया भी हो गया है। 70% तो गायब हो गए, 30% का बस एक ये मतलब उसको मिला कर रह गया है। तो मैं कुछ इस पर लेप टाइप लगाता हूँ, होममेड लेप है। मम्मी मम्मी उला दो वही लेप, एक मिनट कर देना। तो मैं आपको भी बताता हूँ वो क्या लेप है और आप भी लगाइए। और टू बी ऑनेस्ट बहुत सही लेप है। कोई मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा जैसा कि मतलब बाहर से ये ली के मंगाइए कोई ये क्रीम ये वो, कुछ कुछ नहीं है। आपको करना क्या, सिर्फ वन टीस्पून सॉरी जिंजर बोल दिया, 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून हनी एंड 1 टीस्पून रोज़ वाटर, ठीक है। ये एक एक मतलब एक एक चम्मच और इसको स्टोर करके रख लीजिए। हल्का जहाँ पे भी है हल्का हल्का मसाज कीजिए, हल्का हल्का वहाँ पे 30 सेकंड या तो एक मिनट ज़्यादा से ज़्यादा अगर होती है तो। वैसे तो मैं कहूँगा जहाँ तो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप छोड़ ही दीजिए उस पे लगाकर और 15 मिनट के बाद अपना फेस आराम से धो लीजिए, ठीक है। और इतना मतलब ऐसे रब नहीं करना उसको, पानी ऐसे हल्के से डालकर कर लीजिए और उससे ऊपर कुछ नहीं है, सुपर है। और अभी मैं मम्मी कर दो, और अभी मुझे यार कुछ करने के लिए नहीं है आज के दिनों में। जस्ट अ मिनट, कुछ करने के लिए नहीं है यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ। बस एक मुँह से भी है सिद्धू मूसे वाले वीडियो सुन रहा हूँ, इसके अलावा क्या कुछ नहीं है। देख लिया होगा आपने, उसके बाद 15 मिनट बाद वॉश कर देना है। तो गया मैंने कभी टेस्ट तो नहीं किया ये, तो लगता है आज कर रहा हूँ। मतलब इतना घबराने वाली बात नहीं है, जब मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने कर दिया। टेस्ट है ठीक है, अच्छा नहीं कुछ हाँ, बट इसकी एक वो है क्या कहते हैं इसमें नहीं है, मतलब इस लेप में नहीं है कि आपको ना इस मिक्सचर में जो भी है कि आपको जलन नहीं होगी, कुछ ऐसा मतलब नहीं होगा, बस आपको थोड़ी खुजली होगी अगर आप सहन कर लोगे। मतलब इतनी भी नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ थोड़ा सी, थोड़ी सी बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट थोड़ी सी होगी, उसके बाद सब मजा आना, मज़ा नहीं आएगा। और अभी जिस मैंने अभी अपना फेस वॉश कर लिया है एंड इट फील लाइक मज़ा आ रहा है। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और कल मैंने उसके बाद ब्लॉग इसलिए नहीं किया मतलब वो लेप लगवाने के धोने के बाद, क्योंकि उसके पास मेरे पास दिखाने को कुछ था ही नहीं, क्या दिखाता यार। चलो कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा आशा करता हूँ मैं। 1:35 PM अराउंड 1:40 होने वाले हैं। और अभी जैसे मैंने पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि बारिश का, और ये देखिए कि बारिश हो ही नहीं रही है कि उसके बाद से मतलब हार्डली सुबह थोड़ी हुई थी, सुबह भी नहीं थोड़े जैसे 11 बजे के करीब हुई थी, उसके बाद से तो नाम निशान, थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई है यहाँ पर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि नज़र ना लग गई हो क्योंकि तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मानसून जी प्लीज़ आ जाइए, वापस आ जाइए, ठीक है गाइस। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं रिज़ल्ट आपके सामने ही आ रहा है, आप देख सकते हैं खुद ही लाइव, आप भी ट्राई कीजिएगा मैंने बताया जैसे। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को।
एंड मुझे इंस्टाग्राम पर आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, मैं आईडी भी लिख कर दे देता हूँ यहाँ पर लास्ट में वीडियो के, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होता है इंस्टाग्राम आईडी का, क्योंकि वहाँ पर मैं अच्छी अच्छी रील्स फ्रॉज एंड स्टोरीज डालता रहता हूँ। तो ठीक है गाइज, कीप क्रिएटिव, कीप मोटिव फ्रॉम दिस साइड ओवर एंड आउट।